जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी की आवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है और आक्रोशित न्यायिक कर्मचारी सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में भी प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत धरने पर बैठ गए और सामूहिक अवकाश की सूचना भी न्यायिक अधिकारियों को दी है। न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार पारिक, प्रांतीय प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह, प्रांतीय कमेटी सदस्य महबूब अली, तहसील प्रमुख सुरेश इंदौरिया, विजय ढाका, प्रेम किशोर चौहान, विवेक चेप, दुर्गा सिंह, ब्रिज मोहन काला, शिव भगवान, राकेश मीणा, मनसुख सिंह, सरोज कंवर, हेमंत पंवार, एहसान खान, रामस्वरूप अब्दुल रशीद, जगदीश प्रताप, सुल्तानपुरी प्यारे लाल सहित अनेक कर्मचारी धरने पर बैठ गए और कर्मचारी सुभाष नेहरा की मौत के प्रकरण की सीबीआई जांच करवाए जाने, मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने व मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर NDPS कोर्ट में श्रीमान KS चलाना साहब, NDPS एक्ट के जज साहब, उनके घर पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा, उनके निजी निवास पर उनकी सुभाष मेहरा की संध्यास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 10 नवंबर से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एक हम न्यायिक कर्मचारी न्याय व्यवस्था में होते हुए हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है। सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर यह संपूर्ण तालाबंदी की जा रही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि FIR दर्ज हो और CBI जांच हो, सुभाष मेहरा के परिवार को 50 लाख रुपए मिले और संपूर्ण न्याय हो। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम नातो तालाब स्थित कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन JCB के सामने महिलाएं व अन्य लोग आकर खड़े हो गए और विरोध किया, जिसके चलते नगर परिषद की टीम को वापस बेरंग लौटना पड़ा। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि गीता जोशी के नाम से मकान निर्माण की परमिशन जारी की हुई है, लेकिन स्वीकृत नक्शे से बाहर जाकर निर्माण करने की शिकायत मिली थी। नगर परिषद द्वारा 3 नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसी दौरान निर्माणकर्ता द्वारा न्यायालय से स्टे ले लिया गया, लेकिन स्टे के बावजूद भी मौके पर निर्माण किया गया और नगर परिषद से स्वीकृत नक्शे से बाहर जाकर निर्माण करने पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को भेजा गया था, लेकिन टीम बेरंग लौटी है। भविष्य में अगर स्वीकृत नक्शे से बाहर जाकर निर्माण पाया जाता है तो न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्रवाई किए जाने की जानकारी आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने दी है। वहीं निर्माणकर्ता पक्ष का कहना है कि एक पार्षद जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर नगर परिषद ये सब एकतरफा कार्रवाई करने पर तुली हुई है। दूसरी ओर वीडियो में सामने साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कह रहे हैं कि अभी सीढ़ियों को हटा दीजिए, बाद में आने की जरूरत नहीं है। आज नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते द्वारा नाथो तालाब पर गीता देवी के नाम से परमिशन ली गई थी, लेकिन उन्होंने परमिशन के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इस पर भी उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। कोर्ट स्टे के बावजूद भी उन्होंने बाहर नाले के ऊपर सीढ़ियाँ बनाने की कार्रवाई की थी, जिसको तोड़ने के लिए टीम को भेजा गया था, लेकिन वहाँ महिलाओं के विरोध की वजह से उस टीम को वापस आना पड़ा और हमने इसके विरुद्ध अब कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम सिंगल प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत लगातार अभियान चलाकर कार्रवाइयां कर रही है। इस बार भोजलाई चौराहे पर स्थित दुकानों पर छापा मारकर करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक के उत्पाद जब्त किए गए हैं। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि सफाई निरीक्षक मुनालाल मीणा, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम ने भोजलाई चौराहे पर स्थित अनेक दुकानों पर जाँच की और करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए हैं। दूसरी ओर 7,400 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। नगर परिषद की टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो भारत सरकार द्वारा किया गया था, उस पर नगर परिषद की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी जो भोजलाई चौराहे के आसपास के जितने भी दुकानदार थे उनसे लगभग 100 kg प्लास्टिक की थैली और बैन सामग्री पकड़ी गई, इसके साथ ही उन पर 7,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।